हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम चुके हो, हाल है, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिम जफर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अर्शद जावेद। और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन जावेद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। तो आज हम कौन सी सीरीज के लिए यार? चेन्नई जो की तमिलनाडु का कैपिटल है। चेन्नई एक्सप्रेस ने हाँ। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी थी ना? हाँ, वो शाहरुख खान की थी और दीपिका पादुकोण। क्या चेन्नई, मैंने बेसिकली जितना सुना है वो बहुत खूबसूरत सिटी है। तो बाकी डेवलप भी बहुत ज्यादा हो गया, अब तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया और वो तो हम देखेंगे वीडियो में। एमएस धोनी साहब वहीं से चेन्नई से हैं और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और मतलब वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा चेन्नई कैसा है। तो चेन्नई देखते हैं इकट्ठे, लेकिन चेन्नई इकट्ठे देखने से पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, ये है चेन्नई जो कि दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु की राजधानी है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है तथा चेन्नई को ही मद्रास के नाम से। चेन्नई में भी वो ये भारत के दक्षिणी तट पर स्थित एक समुद्र है। यहाँ हर इलाके में समुद्र है, यहाँ पाकिस्तान से आगे बढ़ रहा है। चेन्नई हमारे देश के कुछ जीवंत और बहुसांस्कृतिक शहरों में से एक है जो अपने इतिहास, कला और साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो ये पूरा नगर तमिल संस्कृति पर आधारित है, परंतु यहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। चेन्नई को डेट्रॉयट ऑफ इंडिया जैसे नामों से भी जाना जाता है, जिसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर बड़े बड़े व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ मौजूद हैं, जो एक महत्वपूर्ण ऑटोमोबाइल हब बनाने का काम करते हैं। समुद्र तट से नजदीकी और यहाँ के बेहतरीन रोड नेटवर्क के कारण बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियाँ इस शहर में आकर्षित होती हैं। वहीं दोस्तों, आप में से बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड बैंक का मेन ऑफिस चेन्नई में मौजूद है, जो कि वर्ल्ड बैंक चेन्नई ऑफिस के नाम से जाना जाता है। वहीं चेन्नई साउथ इंडियन फूड लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि यही वो शहर है जिसके सड़कों पे आपको भारत का जायका देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप गर्मा गर्म इडली, सांभर और तवे पर सिकते डोसा का स्वाद ले सकते हैं। और आइए अब जरा हम चेन्नई शहर के न्यूमेरिकल डेटा की बात कर लेते हैं। तो चेन्नई शहर तकरीबन 426 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल भूभाग पर फैला है। समुद्र तल से इस शहर की ऊंचाई 6.7 मीटर है और ये बंगाल की खाड़ी में कोरोमंडल तट पर स्थित है। साल 2011 में किए गए जनगणना के आधार पर शहर की कुल आबादी लगभग 4.6 मिलियन लोगों की है, जिसमें से लगभग 90% लोग पढ़े लिखे वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। वहीं चेन्नई शहर में आपको औरत मर्द का सेक्स रेशो ऑलमोस्ट इक्वल है, जिसमें यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं पाई जाती हैं। यदि हम यहाँ की आबादी को धार्मिक रूप से देखें तो यहाँ की कुल आबादी में 80.73% हिंदू, 9.45% मुस्लिम और लगभग 7.72% क्रिश्चियन लोग यहाँ रहते हैं। यदि आपको सड़क पर चलते हुए ज्यादातर TN01 या TN02 नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ दिख जाएं, तो समझ जाइए कि आप तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं यदि हम चेन्नई के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो ये एक बेहतरीन शहर है जो सड़क, रेलवे, हवाई मार्ग और सी पोर्ट के द्वारा पूरी दुनिया से वेल कनेक्टेड है। वहीं चेन्नई शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन चेन्नई सेंट्रल के नाम से जाना जाता है। ये चेन्नई हावड़ा मेन लाइन पर स्थित दक्षिण भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है। यहाँ से रोजाना भारत के कई महानगरों तक सीधी ट्रेनें चलती हैं। अथवा चेन्नई में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जो शहर के सिटी सेंटर से तकरीबन 20 किलोमीटर के शॉर्ट डिस्टेंस पर मौजूद है। और आइए अब जरा हम जान लेते हैं चेन्नई के सुनहरे इतिहास और यहाँ के कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के बारे में। तो चेन्नई नाम का पहला आधिकारिक उपयोग 8 अगस्त 1639 को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था, जिसे आगे चलकर 1996 में तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक तौर पर मद्रास से चेन्नई का नाम बदल दिया। हालांकि इससे पहले चेन्नई पर पल्लवों, पुर्तगालियों और ब्रिटिशर्स का राज रह चुका है। वहीं यदि आप चेन्नई घूमने का विचार बनाते हैं तो आप यहाँ इलियट बीच, कपालेश्वर मंदिर, वल्लुवर कोट्टम, ब्रिजी बीच, चेन्नई संग्रहालय,
और यहाँ के शानदार मरीना बीच की सैर कर सकते हैं। तो ये तो चेन्नई था, और कैसा लगा? मरीना बीच बहुत खूबसूरत। मैं मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कपिलेश्वर मंदिर जो है, वो कितना ऊंचा है और कितना कलरफुल है वो। अच्छा वैसे इसकी एक मैं बात बता सकता हूँ, बड़ी यूनिक है चेन्नई की, मतलब इधर जितने भी घर देखे होंगे बड़े कलरफुल है ना। हर घर का, हर घर में स्ट्रक्चर भी फंकी का है, फंकी टाइप है। उसके अलावा चेन्नई यार इक्वल सी फीमेल और जो सेक्स रेट है वो था। तो बाकी जो मरीना बीच है यार वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और मतलब इतनी साफ सुथरी, बड़ी मजे की है यार। उसके अलावा जो साउथ इंडियन फूड है, इडली सांभर डोसा यार है? मैंने डोसा तो खाया हुआ है, वड़ा पाव भी खा लिया, लेकिन इडली सांभर, सांभर एक चटनी उनकी उधर की वही है ना, चटनी वगैरह चटनी है, लेकिन ये जो इडली, इडली के साथ बड़ा दिल करता है यार। इडली तो वो आलू की कचौड़ी को पसंद करते हैं। नहीं 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 नहीं, व्हाइट कलर की होती है, व्हाइट कलर की मेरे ख्याल चावल की या फिर किसी चीज का होता है, समथिंग लाइक दैट। डोसा बहुत मजे का आप लोगों का, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी मतलब इंडियन फूड मिलता है, इंडियन फूड मतलब न्यू लॉन्च किया था उन्होंने, तो हमने डोसा ट्राई किया था, वड़ा पाव, कचौरी, कचौरी तो अगर आप डोसा खा रहे हो तो आपको उसमें प्रोटीन ज्यादा है, तो आपको सारा दिन मतलब रोटी से बहुत जल्दी भूख लग जाती है। तो चावलों की बने होते हैं ना, चावलों की ऑब्वियसली उसमें कार्ब्स वगैरह होते हैं। तो काफी अमेजिंग था चेन्नई, हमें काफी अच्छा लगा। अगर आप और सिटीज पे चाहते हैं रिएक्शन दें तो कमेंट्स में हमें लाजमी बताएं, और इंस्टाग्राम पे जाके हमें डीएम्स भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।